हरिचंद एसपीओ को जो कि सीमेंट प्रोडक्शन यूनिट है वहाँ पे हम सीमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, पूरी केपी को गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद रखता हूँ खैरियत से होंगे। जैसे कि आज एक नए वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। बैक साइड पे आप देख रहे हो कि लाइव स्टॉक एक्सपो है पिशावर में, पहली दफ़ा होने जा रहा है। तो आए दोस्तों चलते हैं और आप दोस्तों को भी अंदर लेके जाता हूँ, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। तो आए चलते हैं दोस्तों। अच्छा तो दोस्तों ये मेन गेट है, अंदर आ गए और कुछ चीज़ें ये वॉल्स वगैरह मतलब खेती बाड़ी वगैरह के लिए यूज़ होते हैं, जो पाइप के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब स्टॉल में जो लगाते हैं। तो एक स्टॉल ये लगा हुआ है, सारे स्टॉल वगैरह है। तो आगे आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, जो जो चीज़ें तो वो इंशाल्लाह आप दोस्तों के साथ शेयर करते जाएंगे। कोशिश करेंगे कि पूरे स्टॉल को कवर कर लें। ये नत वगैरह जो होते हैं जो जानवरों को पहनाते हैं, इसका पूछते हैं और रेट लेते हैं। इसके प्राइस क्या है? ये ब्रास में 700 का और इसमें 400 का। ये 400 इसमें क्या पड़ेगी? इसमें ये स्टेनलेस स्टील मटेरियल है, ये ब्रास है। अच्छा, ये पीतल है, ये स्टेनलेस स्टील। अरुण सर इधर तो कौन सा सही होगा? ये 3 इंच वाला सही है उसके लिए। कौन सा? ये वाला नहीं, ये भी ठीक है, ये जरा एक्सपेंसिव होता है। हाँ? इसका मटेरियल है ब्रास है, ये स्टेनलेस स्टील है। कुछ लोग इसमें लेते हैं, कुछ इसमें लेते हैं, दोनों काम से। हाँ? कोई क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है, ये मटेरियल की अपनी एक नेचर है, इसकी एक अपनी नेचर है स्टेनलेस स्टील। अच्छा, इसमें कोई गुंजाइश प्यार मोहब्बत? आपने कितने देने हैं? मेरे एक ही दारे में है फिलहाल। चलो एक दारे लेके आगे, बड़े अच्छी कीमत आपने लगाई है, 450 दे दें आप। लीजिए करते हैं, ये पैक कर दे। मेरे पास 1000 है। अच्छा दोस्तों, बुर्रा के लिए ये ले लिए दोस्तों। इंशाल्लाह बुर्रा को पहनेंगे, भाई से तरीका पूछेंगे कि कैसे पहनाते हैं। तो इंशाल्लाह ये बुर्रा को पहनाएंगे और उसका रस्सी जो है ना वो इंशाल्लाह नत से हटा के इस पे कर देंगे। ये पक्का फिक्स हो जाएगा। ये भी हम दे रहे हैं और साथ में ये दो है, ये पेचकस के साथ रखेंगे। अच्छा, खोल भी सकते हैं। अच्छा, ये आप दोनों में से पक्का फिक्स करना चाहते हो तो ये लगा लें, अगर पेचकस वाले लगाना चाहते हैं तो एक पेच लगाएंगे ऊपर नीचे से कि नहीं, एक पेचकस होगा इसके ऊपर। पेचकस हो गए, एक ये इधर से लगाएंगे, ये उल्टी साइड है। ओके 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 ओके, इधर लगाएंगे पेचकस से टाइट कर दें जब चेक खोल दें। ओके थैंक यू, खोल लगा लें। बाकी कुछ ना कुछ क्लिप निकाल लो, ये फ्रीजन होते देख सकते हो दोस्तों। माशाल्लाह जो जो चीज़ें हमारे काम के होंगे तो इंशाल्लाह उनको भी लेंगे भी। बाकी देख सकते हो हर जगह में स्टॉल लगा हुआ है, इधर डॉग फूड और मतलब मीट के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होते हैं वो वाले मौजूद चीज़ें हैं। सर में दोस्तों किताबें सारे पड़े हुए, ये देख सकते हो पीनट वगैरह इन चीज़ों का, देख सकते हो सब्जी वगैरह जो काश्तकारी के लिए जो बीज इस्तेमाल होते हैं वो चीज़ें पड़ी हुई है। सही, इस साइड में ये जो दवाइयाँ वगैरह होते हैं मतलब डिवॉर्मिंग हवाले से और जो पेट्स वगैरह के लिए जो दवाइयाँ इस्तेमाल होते हैं वो चीज़ें। इसमें हमारे काम की चीज़ें नहीं, हमारे काम की चीज़ें होंगी इंशाल्लाह लेंगे भी, साथ साथ वीडियो भी कर रहे हैं आप दोस्तों के लिए और खुद भी चीज़ें देख रहे हैं आप दोस्तों की चीज़ें दिखा रहे हैं। इस साइड पर भी सारे दवाइयाँ हर किसी ने अपना अपना स्टॉल लगाया है दोस्तों, देख सकते हैं मुख्तलिफ दवाइयाँ मुख्तलिफ
चीज़ों के लिए जो यूज़ होते हैं वो दवाइयाँ। आए दोस्तों आगे चल रहे हैं, इस साइड पे सारे मशीनें पड़े हुए, इस साइड पे जो है जो चुवाई करने के लिए मशीन जो यूज़ होते हैं वो है। देख सकते हो माशाल्लाह, आता है इधर इसके अपने अपने वो है, देख एट अ टाइम एक मतलब एक गाय इसकी चुवाई कर सकते हैं, इसको दो भी टैप लगा सकते हैं, इसमें बड़ा मशीन भी होता है। ये चीज़ है, ये चुवाई करने वाली मशीन मतलब एक टाइम पे दो गायों की चुवाई कर सकते हैं। हाउ मच इज दिस मिल्की मशीन? मिल्की मशीन प्राइस क्या है? 2,15,000 2,15,000 इसका प्राइस है। और वो एक वाला एक लाख और 1.5 लाख का, ये 1.5 लाख की मशीन है भाई, देख सकते हो। आपको कोई नंबर आप लोग साथ शेयर करता हूँ, अच्छा कोई दोस्त इंटरेस्टेड है तो। वैसे आप कहाँ से हो मेरे भाई? लाहौर से। लाहौर से कार्गो पॉसिबल है? कार्गो पॉसिबल है, अच्छा कार्गो पॉसिबल है। पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह, क्योंकि मुख्तलिफ जगह से सब इधर आए, सब ने पार्टिसिपेट किया, मतलब हर जगह के अलग अलग चीज़ें मतलब बंदे आई हुई। ये इनका नंबर है, मैं इंशाल्लाह फिर भी नंबर स्क्रीन पे शो कर दूंगा दोस्तों, बाकी ये देख सकते हैं, ये पूरे डिटेल के साथ भाई ने वो दे दिए। चारे में भी काम करते हो? चारे बेमिसाल चारा है, बेमिसाल चारा स्ट्रीट है, सेलेज सिर्फ सेलेज पे, मतलब दूध के बारे में सब का सेलेज सोलर आज ये देखने मशीन से लगी। हां, और बाकी मीट का वंडा या दूध का वंडा उसमें काम करते हो? नहीं बस सेलेज में, सिर्फ सेलेज में भाई, सिर्फ सेलेज में काम करते हैं, और मतलब भाई के पास सिर्फ मशीन है। तो इंशाल्लाह नंबर में स्क्रीन पे चला दूंगा, बाकी रेट में मेरे भाई से ले लिया, बस ये तीन चीज़ों में काम कर रहे हो? अच्छा अच्छा अच्छा, डेयरी के जितनी चीज़ें हैं ना बाइक से मिल जाएगा बिल्कुल आसानी, लाइक जनरेटर हो गया, मतलब ग्रास काटिंग मशीन हो गया, और जितनी मशीन वगैरह है। कुत्तर की मशीन के रेट आजकल क्या चल रहे हैं? इसका 13 लाख का रेट है, उसके 8.5 लाख है, 8.5 लाख वो महंगी है, 35 लाख का, 35 लाख ऊपर वाला, ये 9.5 लाख की, 9.5 लाख, ये 22 लाख का है, दरम्यान में जो है 22 लाख का है बेलर, ये मतलब वो एकदम चीज मशीन है। हाँ, प्राइस है इसके अभी रेट का? अच्छा सही, प्राइस है इसके 6 करोड़ में प्राइस है, इसके 6 करोड़ है माशाल्लाह। आपसे मिल के बहुत खुशी हुई, बाकी चीजें भी देखते हैं दोस्तों। खरगोश रेबर्स देख ले, लॉन्ग कोटेड जिसको बोलते हैं, मार्गासे की फीत चारा है, कम ट्रिमर मशीन देख सकते हो दोस्तों, जिससे हम दुम्बे मशीन करते हैं, दुम्बे वगैरह वो मशीन में पड़ा हुआ है, यूज़ में है। ये भी देख बिकने के लिए आया हुआ है, बाकी इधर फीट के हवाले से सब कुछ पड़ा हुआ है, साल्ट है, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें, इस साइड पे आप दूसरे को शो कर रहा हूँ माशाल्लाह, चीज़ें आप देख सकते हो। ये कह रहे हैं कि मारखोर की तरह बिल्कुल लग रहे हैं, ये बकरी है और ये पहाड़ों पे जो पलती है वो नस्ल है, इसमें एक बकरी होती है वो बहुत ज़्यादा दूध देती है, वो नस्ल है, ये मेल है वो फीमेल है माशाल्लाह, सूर्य बच्चे की देख सकते हो माशाल्लाह, वो खूबसूरत जोड़ा बाहर निकल के आ गया। अच्छा दोस्तों, एक नई चीज़ दिखाने वाले हैं, इसको एग्जीबिशन बोलते हैं, ये बाहर मन के नस्ल है। पहले आप छुओ को देख ले, ऊपर छुए पड़े हुए वाइट कलर की छुए देख सकते हो, इसके बाकी तो फार्मिंग होता है, इसमें जो यूनिवर्सिटी लोग होते हैं ना उस पर रिसर्च करते हैं, मतलब छोटे छोटे बच्चे। बाकी इस साइड पर देख सकते हो ये एग्जीबिशन है, छोटे छोटे एग्जीबिशन, ये खरगोश और
मतलब इसके साथ क्रॉस किए होते हैं, चूहों के साथ। ये रेबिट्स हैं, बाकी वो फीड है, बाकी ये जानवर आपको दिखा दे फ्रंट से आते हैं, भाई के पास कोई और चीज़ है तो वो भी देख लेते हैं। सारा रश इधर बना हुआ है, बाकी हमारे के पास मुर्गी है। इस साइड पे भी सारे मुर्गे हैं, ब्लैक देख सकते हो, नाम वगैरह लिखे हुए हैं। ये मुर्गे वाले का स्टॉल है। इस भाई के पास भी सारे के सारे फीड पड़े हुए हैं, दवाइयाँ वगैरह, ये फीड देख सकते हो, हर चीज़ का अपने फीड है, अपने सैंपल रखे हुए हैं इनके पास, पर ये फीड मिलता है, इनका मेरी है। मेन्यू में कुछ नहीं है। इस साइड में भी सारे दवाइया है, पूरा विजिट कराता हूँ दोस्तों। इस साइड पे देख शाद वगैरह, इस साइड पे सारा ड्राई फ्रूट है, इस साइड पे सारा दवाइया है, सारा टूर करा दिया दोस्तों। इस साइड पे भी सारे सीट पड़े हुए मुख्तलिफ जानवरों की, इनके पास अपने सिंबल है, सीपी वांडा वाले गोश वाले जानवरों के लिए बेहतरीन खुराक। इसको पूछते हैं इस बोरी का। इस भाई के पास ये देखा है सीपी वांडा है, 40 kg इसमें आता है, मतलब गोश बनाने वाला। इससे भी डिटेल से बात हुई तो कह रहा हमारा लाहौर में इसका प्रोडक्शन है। बाकी भाई ने अपना नंबर भी दिए, इंशाल्लाह भाई से रब्ता फिर करेंगे। फिलहाल तो हमारे पास मीट मैक्सिम का वंडा पड़ा हुआ है, नंबर इसमें जरा आपने लिख दिए और कार्गो पैसों को लेना। हाँ सर, कार्गो पैसेबल, कार्गो पॉसिबल है। ओके सही होगा। डीजल की बात होती है ना, डीजल हमें अल्हम्दुलिल्लाह मीट मैक्सिम से हमें रिजल्ट मिला है, तो इस वजह से भाई ने कह रहा था कि इंशाल्लाह रिजल्ट मिल जाएगा और एक दो ये जो रिजल्ट मिले तो इंशाल्लाह फिर आप यूज़ कर सकते हो। इस साइड में वही चीज़ें हैं जो यूज़ होते हैं, मतलब अभी जो हमने देखे इंजेक्शन वगैरह और नथ वगैरह, नथ तो हमने ले लिए, इंशाल्लाह अपने बच्चों को पहनाएंगे। ये फिश पॉइंट है, लाइफ स्टॉक रेस्टोरेंट है। कुछ फिशेस तो आपको बता दो, कुछ फिशेस ये हैं माशाल्लाह, देख सकते हो नज़दीक से देखो। कुछ वो देख सकते हो दोस्तों, टल टल जिसको बोलते हैं, और इसके लिए बाकी जो जाल यूज़ होते हैं फिश पकड़ने के लिए वो चीज़ें, बाकी कब में दवाइयाँ वगैरह वो आपको देख नज़र आ रहे होंगे दोस्तों। ये देख सकते हो फिश वाला पॉइंट पे आ गए, मतलब फिश वाला पॉइंट है आज इसमें लास्ट डे। अच्छा दोस्तों आपको ये बताओ, बाकी ये ट्राउट फिश है, बर्फ़ आपको नज़र आ रहा होगा। ऑक्सीजन के लिए देख ये वाला लगाया, ये चीज़ ये जो बबल्स बन रहे हैं ना, ये ऑक्सीजन के लिए, जो बड़े सदे में फार्मिंग करते हैं ये उनके लिए। अच्छा दोस्तों पीछे बैक साइड पे भी कुछ फिशेस है तो वो भी कवर कर लेते हैं। नेम ये है, बाकी फिशेस ये माशेर हाँ। कर रहा हूँ हरिचंद SPO को, जो कि सीमन प्रोडक्शन यूनिट है, वहाँ पे हम सीमन प्रोवाइड कर रहे हैं, पूरी KP को गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं।
इधर पेशावर कोमेन हमारे सप्लाई आते हैं, जर्सी की है जो कि हमने 1980 में इम्पोर्ट की है जर्सी ब्रीड को, इसके अलावा फ्रीजन है जो कि 1980 में उसको भी हमने इम्पोर्ट किए हैं, और इसके अलावा साहिवाल भी है, अचई भी है। ये तकरीबन 4-5 ब्रीड है जिसकी हम सीमन पूरी केपी में हम उनको प्रोवाइड करते हैं, सेल आउट करते हैं, और इससे जो प्रोजनी आते हैं वो पूरी केपी में अल्हम्दुलिल्लाह आपको मिल जाएंगी हमारे हेरिटेज फार्म की। माशाल्लाह, ब्राह्मण वगैरह है कि नहीं? सर प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है फील्ड में, क्योंकि आज कल प्राइवेट जो सेक्टर है उन्होंने बहुत तरक्की की है, और हमारे प्राइवेट सेक्टर में वो सीमन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं मुख्तलिफ डेयरी फार्म की, तो ब्रीड इम्प्रूवमेंट के हवाले से मसाइल मार्केट में बहुत ज़्यादा हैं। अगर इसके अलावा कोई और सीमन कोई भाई रखवाना चाहते हैं, मतलब ब्राह्मण हो गए, चुलिस्तानी हो गए, वो प्रोवाइड कर सकते हो? वो उसके लिए आपने ये करना है कि आपने बुल इम्पोर्ट करना है ना, वो आपने बुल इम्पोर्ट करना है। अभी हमारा कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, इंशाल्लाह 2-3 महीने बाद एक ब्रीड है कि जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, अब इंशाल्लाह इसके बाद मीट पे हम काम कर रहे हैं, मीट पे कि डेयरी सेक्टर पे तो हम काम कर रहे हैं ऑलरेडी से, और हमारे जो मिल्क प्रोडक्शन है वो भी अच्छी आ रही है, लेकिन मीट पे हमने अभी तक काम नहीं किया स्पेशली केपी में। तो हम ऐसी ब्रीड लेके आ रहे हैं कि वो उससे जो प्रोजेनी आएंगी उससे हम सीमन कलेक्ट करेंगे, और फिर थ्रू केपी पूरी केपी में इंशाल्लाह आपको इसकी प्रोजेनी मिल जाएंगी इंशाल्लाह। और करके कुछ कहना चाहोगे एक्सपो के हवाले से? एक्सपो को तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे चल रहे हैं, फैसिलिटी दे रहे हैं, एक रूप के नीचे जो है आपको लाइफ स्टॉक, एग्रीकल्चर और फिशरी जितने भी सेक्टर हैं, इसके अलावा जो मुख्तलिफ फार्मास है, ये सब के स्टॉल आपको मिल जाएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम सब लोग माशाल्लाह। अपना नंबर जी नंबर शेयर करना चाहोगे? 0345-158-4058 तो इधर व्लॉग को एंड करेंगे। होप अगर आप लोग के वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।